कि शरद पवार और राज ठाकरे की कुंडली में क्या सही है क्या गलत है, किन चीजों से राज ठाकरे बने हैं और किन चीजों से शरद पवार के ओर एक आदर्श के तौर पर राज ठाकरे देखते हैं, ये पंडित राजकुमार शर्मा जी बता रहे। तो पंडित जी आप क्या बता रहे थे कि कौन सा ग्रह और कौन सा लगन जो है शरद पवार साहब का और राज ठाकरे साहब का एक सरीका है? क्या राज ठाकरे शरद पवार को अपना वो उसके हिसाब से देखते हैं? जी अच्छा, वो ये कहते हैं कि कुछ कुछ चीजों के लिए, हाँ कुछ पूरी पूरे तौर के लिए नहीं, कुछ चीजों के लिए विशेष रूप से प्रशासन पर जिस तरह से शरद पवार जी का जो प्रभुत्व है और जो प्रभाव है पकड़ है उस चीज के लिए राज ठाकरे, अक्सर राज ठाकरे ही नहीं बल्कि इस देश का हर कोई राजनेता शरद पवार जी को सैल्यूट करता है। तो मित्रों सुनिए फिर, शरद पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक लगन, और राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक लगन। मगर यहां पर राज ठाकरे की कुंडली में जब हम पंचम स्थान को देखते हैं, वहां शनि 29 डिग्री का छठे घर में अपना एक पांव रखता है, जो कि सिमिलरली आप अगर कुंडली के ज्ञाता हैं तो शरद पवार के छठे घर में भी शनि है। 2000 में शरद पवार की कुंडली में मित्रों शनि की महादशा लगी और 99 में उन्होंने अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। अब इस वक्त राज ठाकरे साहब की कुंडली में शनि की महादशा जो लगी है वो लगी है 18/8/2011 से। 18/8/2011 से जब भी शनि बदलता है, ये बात को ध्यान रखें, जब भी शनि बदलता है, शनि में शनि जो है वो इनका 31/8/2014 तक है, जब में शनि बदलता है, शनि से शनि निकलकर जब भी बुध में आएगा, तो इनके जितने भी आपने सबसे पहले जो केस कहा है कि इनके ऊपर 800 केस हैं, 100 केस हैं, पौने 200 केसेस जो भी केसेस हैं, इन केस ये सब केस निराधार हो जाएंगे, ये सब